अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद हमजा शाह और आप देख रहे हैं वॉच कराची। आज हम मौजूद हैं हुसैनाबाद की मेन फूड स्ट्रीट पे और मैं जिस काउंटर पे मौजूद हूं वो फ्रीक एंड फ्राई का काउंटर है। तो बताएं मुझे ये क्या बना रहे हैं? सर, ये टर्की सैंडविचेज हैं हमारे पास जो होते हैं फ्रीक एंड फ्राई के। इसका फ्लेवर का नाम जो है वो टेंडर लोफ ही एक फ्रेंच ब्रेड पर बनता है। अच्छा, तो मतलब कि इसके अंदर डलता क्या क्या है? बेस लाइन आपके इसमें 5 टाइप की सॉसेज डलती हैं जो आपको स्पाइसी, माइल्ड और एवरेज फ्लेवर के हिट सॉसेज देती हैं। यानी जब आप इसको मील करोगे तो समझे पूरी होल चिकन की आप इसकी समरी ट्राई कर रहे हैं। और इसके साथ जो इसके सेकंड चिकन है वो इसकी ग्रिल्ड चिकन के ऊपर बेस्ड है। यानी जब आप फ्लेवर लोगे तो क्रिस्पीनेस के साथ सॉफ्ट चिकन का मील आएगा। तो बेसिकली आप इसको बीच से कट करते हैं, ऊपर से कट होता है? ये ऊपर से कट डाउन होता है। ये मतलब इसके अंदर ऊपर से कट होता है और फिल्ड होती है सब चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइटैनिक शेप पे ये बनता है। ये कितने परसेंट सर्विंग है? ये सर्व फॉर 2 पर्सन है, इनफ हैवी पर्सन की मिलेंगे। फर्स्ट वन इसकी कट डाउन जो लेयर है को हम लोग सेपरेट रखेंगे। जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो ये बेक होने जाएगा। अच्छा, इसकी बेकिंग प्रोसेस सही होगा कि जिसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेक होने के बाद सब एक अलग ही फ्लेवर मतलब अपना डेवलप करेंगे और टेंडर और जूसी हो जाएंगे। बिल्कुल, जब हम इसको रिमूव करते हैं इसकी स्टफिंग को तो उसकी बिल्कुल ग्राउंड तक रिमूव करते हैं, ग्राउंड तक ताकि इसमें फिलिंग हो। ये सारी फिल्ड होगी? जी जी बिल्कुल, इस पर टॉपिंग होगी। फर्स्ट वन जो इस पर सॉस है, ये कौन सी सॉस है? डायनामाइट सॉस है। अच्छा, जो एक मेल्ट फ्लेवर सॉसेस जो डालते हैं मायो बेस्ड है? नहीं सर, इसमें हाफ जो है वो मायो बेस्ड है, हाफ जो है वो नेचुरल फ्लेवर से बनती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको जो आप वेजिटेबल के फ्लेवर देती है। इसकी सॉस की फिलिंग के बाद फर्स्ट जो इसकी लेयर जाएगी वो आइसबर्ग की लेयर होगी। बंद गोभी यूज नहीं किया, आइसबर्ग यूज करें? नहीं सर, क्वालिटी का बड़ा मतलब कि मैं देख रहा हूँ क्वालिटी का बड़ा आप ख्याल रख रहे हैं। सर, हमारा मानना ये है कि मतलब क्वालिटी बेस्ड होगी तो आपका टेस्ट खुद ही एक लेवल आता है। बेहतरीन, जबरदस्त। वो कैप्सिकम कैप्सिकम सॉफ्ट हुए होते हैं सही। जब बेक होंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएंगे, यानी क्रंची फील नहीं देगा आपको बाइट में कि आप कच्ची वेजिटेबल्स मील कर लो। फ्राइज की लेयर के बाद हमारी सेकंड सॉस आएगी जो स्टैंडर्ड मायो है। ये मेयो गार्लिक का फ्लेवर है सही। ये रेड हॉट सॉस है। अच्छा, ये थोड़ा स्पाइसी टच के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पाइस लवर्स के लिए एडेड होती है। चिकन फिले जो है इसका टेंडर लाइन वो इंजेक्टेड होता है इनसाइड से। अगर आप इसको मील करेंगे तो आपको मतलब रॉ चिकन नहीं मिलेगी सही। फ्लेवर वाइज हाफ डन होता है ये तकरीबन, हाफ डन ऑलरेडी हुआ होता है। सेकेंड हमारी जो चिकन है वो ग्रिल्ड चिकन है। ये इसके चॉप पीसेज होते हैं जो इसके हैचेस को कवर करते हैं। रॉ जितना भी हमारा चिकन का होता है वो केनन का होता है, जो भी शेल बॉडीज होती है केनन की। तो क्वालिटी पे बड़ा आप ख्याल रख रहे हैं, क्वालिटी और हाइजीन की सही। इस चिकन में और उसमें क्या डिफरेंस है? इसका फ्लेवर जो है वो एक कोटेड और इंजेक्टेड फ्लेवर है, बट ये जो फ्लेवर है ये रॉ में स्टेक्स होते हैं और उसको ग्रिल करने के बाद इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही स्मोकी आता है। सही गाइस, ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा जूसी और जो है ना आप कह सकते हैं सॉसी है और फुल ऑफ चिकन है। इस वक्त मतलब पैक पैक ऑन है, आप देख सकते हैं कि कितनी डीप इसकी अंदर की लेयर थी, लेकिन ये अभी भी फुल हो गया है ऑलमोस्ट विद वेजीज एंड विद चिकन, ये फुल हो गया है। तो यार ये खाने में मतलब कि बहुत ही कोई क्लासिक होगा और खाने में बड़े मज़े का होगा। हमने जो लास्ट सॉस कवर करी इसके ऊपर वो चिपोटले सॉस है जो एक रिच फ्लेवर देती है मील को एनहांस करने का। सही, जबरदस्त। अब ये क्या जा रहा है? ये एडम्स की चीज़ है चेडर स्लाइस पे। सही, चेडर स्लाइस की। अच्छा, अब ये चीज़ के स्लाइसेस जाएंगे? जी, सिंगल चीज़ स्लाइस होगा जिसके ऊपर कवर्ड होगा। सही, ये मतलब कि थोड़ा और जो है ना उसको और जूसी बना देगा। बिल्कुल सही, बेहतरीन हो गया यार। मेरे हिसाब से तो ये आराम से जो एक फूडी पर्सन भी है ना वो भी 2% सर्विंग ही आराम से खा सकते हैं। जो हमारी लास्ट सॉस कवर होगी वो बारबेक्यू है, स्मोकी बारबेक्यू। अब ये पेक्ड होने जाएगा मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स। अच्छा, 3 to 4 मिनट्स के, सही है। तो उसके बाद ये रेडी टू ईट होगा सही। तो गाइज ये तैयार हो गया है, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। सैंडविच जो है रेडी हो गया, हमारे सामने आ गया है।
हम जो है इसे टेस्ट करेंगे। है दिखने में तो काफ़ी माइटी और डिलीशियस दिख रहा है, अब जब टेस्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये खाने में भी टेस्टी है कि नहीं। यार बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जूसी है, क्योंकि इनका बहुत डिफरेंट हर जो इन्होंने सॉसेस डाली है उनका हर सॉस का फ्लेवर आ रहा है, और दूसरा चिकन बहुत ज़्यादा जो है फिल्ड हुई हुई है, तो जिस तरीके से जो है ना जिस हिसाब से ये दे रहे हैं आराम से ये 2% सर्विंग है, तो मैं सबको सजेस्ट करूँ आएँ ट्राई करें, इंशाल्लाह क्वालिटी भी इनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और चीज़ जिस तरीके से दिखने में अच्छी उसी तरीके से टेस्ट में भी बहुत अच्छी।